बार फिर से गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ओके, अपना जो टॉपिक है लेट्स कंटिन्यू क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी मेजर, है ना। जनरली व्हाट डू मीन बाय क्रेडिट कंट्रोल? क्रेडिट कंट्रोल और कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई इज द सेम थिंग। कंट्रोल ओवर मनी सप्लाई, क्रेडिट कंट्रोल का मतलब भी यही होता है, कंट्रोल ओवर मनी, मनी सप्लाई। ओवरऑल हाउ मच द मनी इज इन सर्कुलेशन इन द कंट्री। जो मनी सर्कुलेशन में है उस सर्कुलेटेड मनी पर सेंट्रल बैंक का होल्ड, समझ भाई। इसे बोलते हैं क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। किस तरह से कंट्रोल करती है, कम या ज्यादा जैसा भी है इन सर्कुलेशन, वो किसी ना किसी पॉलिसी के तहत आता है। तो जनरली ये सेंट्रल बैंक की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी है। लेंडिंग एंड बोरोइंग इंटरेस्ट रेट होती है, उधार देने की और उधार देने की ब्याज की दर। उसी पर डिपेंड करता है कि मार्केट में मनी का सप्लाई कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बात कहूं आम भाषा में, कि अगर कॉमर्शियल बैंक हमारी जमा राशि पर ब्याज ज्यादा देने लग जाए, इंटरेस्ट ज्यादा देने लग जाए, तो पब्लिक क्या करेगी, अपने पैसे को किसी और को कर्ज पर देने के बजाय बैंक में ही जमा करना अच्छा समझेगी, बेहतर समझेगी कि बैंक से ही इतना ब्याज मिल रहा है तो फालतू में रिस्क में किसी और को क्यों दे। Am I right, sir? तो फिर पब्लिक अपना पैसा बैंक में जमा कर देगी, यानी कि पैसा जो पब्लिक का है, जो इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा है, वो कहां पहुंच जाएगा, बैंक में। इससे देश का मनी सप्लाई कम हो जाएगा, बात समझ भाई। अगर उसके साथ ही साथ लोन्स की रेट और महंगी कर दी जाए, 15% 14% फिक्स इंटरेस्ट रेट फ्लैट और ज्यादा बढ़ा दी जाए, 20-25 कर दिया जाए, तो पब्लिक लोन ज्यादा लेगी या कम, फटाफट बताओ ऑप्शन में। डेफिनेटली तो उधर से लोन किसी को दे नहीं रही है और ऊपर से पब्लिक का पैसा जमा और कर लिया उस पर ब्याज ज्यादा दे करके, तो अब देश में मनी का सप्लाई ओवरऑल कम होगा या बढ़ेगा? सेंट्रल बैंक की एक छोटी सी पॉलिसी इंटरेस्ट, इसका नाम क्या है, ब्याज। ब्याज की वजह से पूरे देश का पैसा बैंक में ही चला गया, कोई शक? इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्टेड मनी सप्लाई। इससे क्या होता है, इकोनॉमी की डिमांड कम हो जाती है। यू गॉट इट? हाँ जी। एंड वाइस वर्सा, और इसके विपरीत, बैंक जमाओं पर डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट कम कर दे और लेंडिंग रेट बढ़ा दे, नहीं कम कर दे, लोन्स की रेट भी कर दे, बोले आसान किस्तों में कर्ज ले जाओ, 5 मिनट के अंदर 5 लाख का लोन। पब्लिक क्या करेगी, भाग भाग के जाएगी, ओए एक बलेरो दे दियो, ए बल्सर दे दियो, ओए बुलेट दे दियो, और इन जैसे लोग क्या करेंगे, दो दो गाड़ियां एक साथ उठा लाएंगे, कोई शक? तो देश में मनी का सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कोई डाउट रहा आपको? ये तो मैंने एक छोटी सी बात कही है आपके इतने बड़े चैप्टर में से, बहुत छोटी, स्मॉल थिंग।